आज मैं बनाने जा रही हूँ करौंदा मिर्ची का अचार। ये करौंदा मिर्ची का अचार बहुत ही टेस्टी होता है और आप इसको कभी भी पूरी के साथ, पराठे के साथ, राइस दाल के साथ खा सकते हैं और बहुत साथ में बहुत ही हेल्दी भी होता है। अगर अभी बारिश के सीज़न इसी समय में ये करौंदा आता है तो आप ज़रूर इसको अपने खाने में यूज करें, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप करौंदे का जूस पीते हैं तो आपका जो शुगर है वो नॉर्मल होता है और जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनमें भी फ़ायदा करता है। और ये जो एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है साथ में, और इसके अंदर बहुत सारे विटामिन सी बहुत अधिक पाया जाता है, बीपी को कंट्रोल करता है और मतलब काफ़ी कोल्ड, कफ, कैंसर सभी में बहुत लाभदायक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो अगर इसके अंदर विटामिन ई और के बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो इसका डिटेल वीडियो मैं एक बार दूंगी ताकि आपको करौंदे के बारे में अच्छे से जानकारी हो और आप इस करौंदे का यूज़ ज़रूर करें जब भी ये इस सीज़न में आता है। तो चलिए अब मैं रेसिपी बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, पुष्पलता किचन 15। करौंदा मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने करौंदे को सबसे पहले अच्छे से वॉश करके और अच्छे से साफ़ कर लिया है मिर्च को, और उसके बाद हमने इसको अच्छे से सुखा लिया। ये मैंने मसाले लिए हैं जो इसके अंदर मैं डालूंगी। और उसके बाद इसको हमें कैसे कट करना है, इसको ये जो इसके ऊपर एक थोड़ा सा रहता है ऐसे, तो उसको हमें हटा देना है इस तरह से। और उसके बाद इसको हम दो पीस कर लेंगे। आप चाहें तो इसका बीज निकाल सकते हैं और रहने देंगे भी तो कोई बात नहीं, ये फ़ायदेमंद ही होता है। तो अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल। मिर्ची को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे, एक पीस में दो तीन कर लेंगे, या फिर आप इस तरह से लंबाई में भी कट कर सकते हैं, आप जैसा चॉइस हो वैसा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करौंदा को और मिर्ची को दोनों को कट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम ये भी आपको दिखा देती हूँ मैं, इस तरह से कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, ऑयल गरम कर लिया। यहाँ पे मैंने सौंफ, राई, मेथी, जीरा और यहाँ पे मैंने थोड़ा हींग वो मैंने डाला है इसके अंदर, और कलौंजी और पंचफोरन बोलते हैं इसको। पहले अपने पिछले एक वीडियो में मैंने पंचफोरन बनाने का भी किचन टिप्स में दिया है कैसे पंचफोरन बनाते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ मसाले का यूज करूँगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और थोड़ा सा मैंने यहाँ डाल दिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ मिर्ची डालेंगे क्योंकि करौंदा बहुत जल्दी गल जाता है, तो सबसे पहले मिर्ची को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये अचार बहुत टेस्टी बनता है, अगर एक बार आपने खा लिया तो फिर आप एक ख़त्म होगा और दूसरा आप बना के रखेंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है पराठे के साथ और किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो मिर्ची थोड़ा हो गया था तो फिर मैंने इसके अंदर करौंदा भी ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स, इसको पानी नहीं डालना है इसमें हमें। अगर इस अचार को आप चाहें तो और हफ्ते भर 10 दिन के लिए बना के भी रख सकते हैं, आप चाहें तो साल के लिए भी बना के रख सकते हैं। तो ये अचार काफ़ी दिनों तक भी आप रख सकते हैं, जैसा आप हो। अब यहाँ पे मैंने साल्ट ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने जो सौंफ डाला है वो पिसा हुआ डाला है, तो सौंफ को हमें पिसा डालना ताकि अच्छे से इसके अंदर अच्छे से सौंफ की जो एक टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। ये आप देख सकते हैं मैंने दरदरा इसको पीस लिया था, और इसको ऊपर से भी डाल देंगे ताकि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, इसमें बहुत अधिक तेल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप जब भी बनाएँ तो मस्टर्ड ऑयल में बनाएँ तो आपको बहुत, क्योंकि अचार जो है वो मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छा लगता है। अब हम इसे कवर कर देंगे, एक दो मिनट रहने देंगे इसको। उसके बाद फिर वापस से हम इसको चला लेंगे, बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे और ताकि मसाले जो हमने डाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिल जाए।
तो अभी हम इसको चला लेंगे, एक बार फिर से कवर करेंगे। और उसके बाद अगर आपको इसको स्टोर करना है, एक साल तक के लिए रखना है, तो आप यहाँ पे विनेगर का यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने विनेगर लिया है, कुकिंग विनेगर है, और यहाँ पे आप जितनी क्वांटिटी हो उसके हिसाब से डाल सकते हैं। इतनी क्वांटिटी में आप एक ढक्कन डाल सकते हैं। तो मैंने केवल 1 वीक के लिए बनाया है, और तो यहाँ पे मैंने विनेगर का यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम तक रखना है तो आप यहाँ पे 1 से 2 ढक्कन विनेगर डाल सकते हैं, ताकि वो लंबे समय तक चल सके। और ये बहुत टेस्टी लगता है। अभी मैं दोबारा भी इसको बनाऊँगी, और एक दूसरे तरीके से भी ये बनता है, खट्टा मीठा भी बनता है, तो वो रेसिपी भी मैं आप लोगों के लिए लाऊँगी। यहाँ पे मैंने एक करौंदा निकाल के और उसको दबा के चेक कर लिया है कि वो अच्छे से हो चुका है। यहाँ पे ऑयल आप देख सकते हैं, इसने छोड़ दिया है, मीन्स हो गया। जैसे हम कच्चे आम का खट्टा मीठा बनाते हैं, उसी तरह से हम इसका भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करौंदा मिर्ची का अचार रेडी हो गया है। मैंने एक बाउल में इसको ले लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, कितना टेस्टी लग रहा है। मेरे तो खुद को ही बहुत पसंद है। तो आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक से हम मोटिवेट होते हैं, आगे भी हम अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। और अगर कोई आपको रेसिपी की डिमांड है तो आप ज़रूर इस बताया करें, ताकि हम वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स चलती मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।